सर स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में. थैंक यू वेरी मच, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर. तो सर सबसे पहले तो आप हमें अपने IIT कानपुर के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए, कैसे इसने आपको फ्यूचर के लिए ग्रूम किया. भाई मैं समझता हूँ कि IIT कानपुर की जो मेरी एजुकेशन है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन ऑफ माई लाइफ है, क्योंकि उस जमाने में IIT कानपुर जो था वो नंबर वन इंस्टीट्यूट था. और यहाँ पर जब हम आए तो ऐसा लगा जैसे कि सारा दुनिया खुल गई है. उस जमाने में इंटरनेट नहीं होता था, कुछ कोई और चीज़ें नहीं होती थी, तो यहाँ की जो रिसोर्सेज थे, यहाँ की जो फैसिलिटीज थी, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी थी, उससे ऐसा लगा कि जैसे सारे दुनिया खुल गई है. तो वो चीज़ें प्लस जो है सारे एक से एक बढ़िया स्टूडेंट्स सारी हिंदुस्तान से. अब तो क्या हो गया, इतने IITs हो गए हैं तो रीजन वाइज ही बच्चे जाते हैं. उस ज़माने में IIT कानपुर वॉज नंबर वन, तो उसमें जो बेस्ट स्टूडेंट्स थे, जो टॉपर्स थे JEE के, वो सारे के सारे IIT कानपुर में आते थे. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 320-340 जो हमारे बैच में थे, वो ऑल ग्रेट वेरी आर्टिफैक्ट पीपल. तो उसके लिए जब हम आए यहाँ पर तो उससे जो है जो हमारा दायरा खुला और जो डिस्कशन होते थे उससे बहुत जो एजुकेशन है वो बेसिकली इज अ ट्रेनिंग ऑफ द माइंड. फर्स्ट क्लास टीचर्स थे यहाँ पर, और उस समय जो थे हुज हू ऑफ इंडिया के जो आज हैं वो सब हमारे टीचर्स थे, CN Rao और एक से एक धुरंधर लोग थे. तो इन सब से जो हमें एक्सपोजर मिला बहुत यूनिक था. उसके बाद में टेक्नोलॉजी के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी IIT कानपुर की वो ये थी कि यहाँ पर बहुत ह्यूमैनिटीज कोर्सेज थे, तो इट गिव्स यू अ वेरी वेल राउंडेड पर्सनैलिटी. हमने 9 कोर्सेज लिए IIT कानपुर में और उससे हमें बहुत प्रोत्साहन और प्रेरणा मिली. इनफैक्ट आज जो भी हम कुछ लिख सकते हैं इज़ बिकॉज ऑफ दोज ह्यूमैनिटीज कोर्सेज दैट आई टुक. तो मैं समझता हूँ कि वो IIT कानपुर जो था वो बहुत ही यूनिक जगह थी, और उसको मैं हमेशा जो है जो भी हमें आज हूँ उसमें IIT कानपुर का वो टाइम उसमें उसका बड़ा हाथ है. यानी कि जो आपको हेल्दी कॉम्पिटिशन यहाँ पे मिला, जो एक्सपोजर आपको मिला, इनफैक्ट आपने जो इसे कहा कि करिकुलम का भी काफ़ी बड़ा रोल था, देन यहाँ पे जो फैसिलिटीज थी उनका काफ़ी बड़ा रोल था, कि वो आपको एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी आपको मिला, एक आर्टिकुलेट लोगों का आपको साथ मिला, सो देट हेल्प यू. एग्जैक्ट. और उसमें दूसरा ये भी होता है कि भाई उस जमाने में हमारे साथ और भी लोग थे तो उन्होंने तो वो सब काम नहीं किया जो हम करते हैं, लेकिन उसमें क्या है तो इसलिए इंडिविजुअल बहुत डिपेंड करता है. हम हमेशा ये समझते थे कि जितना भी संस्था से निचोड़ सकते हो ज्ञान, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सारी दुनिया में सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना निचोड़ सकते हैं. हम में वो कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि हम चाहते थे कि जितना मैक्सिमम हम ज्ञान ले सकें उतना फ़ायदा है, तो उससे हमारा ही फ़ायदा हुआ. ज्ञान तो था, फैसिलिटीज थी, उनका पूरा फ़ायदा उठाया हमने. जैसे आपने बताया कि इसी तरीके से आपको सोलर एनर्जी में इंटरेस्ट किस तरीके से आया, आपने BTech एंड MTech आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया, आपके बारे में हमें पता चला है, हम लिसनर्स को भी बताना चाहेंगे कि यू आर वन ऑफ द अर्लीस्ट फ्यू PhDs इन सोलर एनर्जी, एटलीस्ट इंडियन PhDs. तो किस तरीके से आपका इस तरफ झुकाव हुआ? वो देखिए उस जमाने में एनर्जी की बड़ी क्राइसिस थी, हम लाइब्रेरी में बहुत पढ़ते थे, तो हमें जो था बड़ा दिलचस्प होता था कि क्या फ्यूचर है. तो सोलर एनर्जी के उस समय जर्नल्स आते थे, मैगजीन्स आती थी, तो उसमें हमें दिलचस्पी हुई. फिर एक प्रोफेसर था जिसने हमें सोलर एनर्जी का लेक्चर दिया था, तो उससे एकदम से जैसे स्विच खुल गया. बहुत थर्ड रेट लेक्चर था, बहुत ही वो ऑर्डिनरी प्रोफेसर था, लेकिन सोलर एनर्जी का जो उसने जो बताया उससे ऐसे जैसे स्विच खुल गया. तो फिर हमने सोचा कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इसमें आगे देखना चाहिए. तो उसमें फिर हम पढ़ने लगे. जब हम पढ़ने लगे तो हमें बहुत ही उसमें अच्छा लगा, तो हमने कहा भाई यही जो है फ्यूचर है, और इसी में हम MTech करेंगे, और MTech करने के बाद फिर उसी में हमने PhD करी अमेरिका जाकर. तो ऐसे हुआ ये. तो यानी कि आपके अंडर ग्रेड जो है टाइम पे एक खिड़की सी खुली, बस आप चलते चले गए और एक मंजिल मिल गई. बस ऐसे ही होता है जी. और फिर वही मंजिल आपको यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा लेके चली गई. वहाँ पे आपने जैसे बताया कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स सोलर एनर्जी के वो टीचिंग देयर, एंड यू डिड योर PhD विद हिम, राइट? तो वहाँ पे फिर आपने 2.5 साल पढ़ाया भी है. फिर वो क्या सिचुएशंस थी, वो क्या आपने थॉट प्रोसेस था कि आप वापस इंडिया आए? वो ऐसा था कि देखिए मैं बचपन से जो था इंडियन फिलोसफी की मैंने चीज़ें पढ़ी थी, कुछ
ऐसा कह सकते हैं संस्कार होंगे, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो गांधी जी के साथ जेल गए थे, तो कुछ ऐसे संस्कार थे जिससे कि हिंदुस्तान से बहुत लगाव था। तो ये हम चाहते थे हमेशा कि हम जो भी कुछ पढ़ेंगे, जो भी कुछ करेंगे, उसको आके वापस लगाएंगे। सारे हमारे जो क्लासमेट्स थे वो भी ये कहते थे, लेकिन हम अकेले ही थे जो वापस आए। तो उसको हम कह सकते हैं कि एक जुनून था, एक पागलपन था, क्योंकि जितने अगर ज़्यादा हम सोचते तो कभी वापस ना आते। हम भी सिलिकन वैली में रहते, क्योंकि उस ज़माने में सारा देश जो था अमेरिका जा रहा था, हम शायद पहले थे जो कि वापस आए, और वापस आए और वो भी गांव में गए। तो वो हमारा जुनून और हमारी एरोगेंस थी। हम समझते थे कि हम हिंदुस्तान को बदल देंगे। हिंदुस्तान जो है ये बड़ी प्राचीन सभ्यता है, उसको कोई नहीं बदल पाया है, हम कौन होते थे। लेकिन एरोगेंस था, तो हिंदुस्तान तो बदला नहीं, उसने हमें बदल दिया। तो वो जो चीज़ है वो मैं समझता हूँ बड़ी यूनिक थी, क्योंकि कस्बे में रहे, बड़ी हालत ख़राब थी, क्योंकि उस समय फ़ोन कॉल भी नहीं होते थे। तो हमें फल्टन से, हम फल्टन में रहते हैं महाराष्ट्र के एक कस्बे में वेस्टर्न पार्ट, तो वहाँ से फ़ोन कॉल करने के लिए हम बस में बैठ जाते थे, 4 घंटे लगते थे पुणे आने में, वहाँ से फ़ोन कॉल करते थे, कुछ भी नहीं मिलता था फल्टन में। लेकिन एक जुनून था। शुरू शुरू में जब आए तो हालत इतनी ख़राब हुई, तो हमने सोचा कि कहाँ गए, वापस जाना चाहिए। फिर हमने सोचा कि हम ही अगर वापस चले जाएंगे तो ऐसे लाखों इंडियंस हैं जो वहाँ रहते ही हैं, तो हम भी उनमें से एक हो जाएंगे। हम में क्या यूनिकनेस है। हम हमेशा भाषण देते थे कि चलो वापस चलो, देश को हेल्प करेंगे, तो हम भी वैसे हो जाएंगे। तो वो एक आखिरी थॉट था, उसके बाद में हमने कभी नहीं सोचा। और उसके बाद में जो भी कुछ हुआ, कभी भी कठिनाइयाँ आई, तो हमेशा ये सोच रहे थे कि ये कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। तो ये जुनून ही कहिए बस, तो उससे ही हुआ। तो यानी कि कुछ तो आपके पारिवारिक संस्कार थे, आपके पिताजी जैसे गांधीन वैल्यूज़ में यकीन करते थे, गांधी जी के क्लोज एड भी रहे थे, और वो जो जवां खून होता है, तो वो सब का कुछ ताना बना हुआ और फिर आप वापस आ गए। ऐसे ही हुआ, क्योंकि ये भी था, खैर वो इतना तो नहीं था, हम जब अमेरिका में थे तो हमने गांधी जी के बारे में बहुत पढ़ा। हमारी जो थी 13 साल के थे, तो हमारे फादर ने हमें बर्थडे प्रेजेंट दिया था गांधी जी की आत्मकथा, तो उससे एक ऐसा स्विच खुला। हमने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी, हम दिन रात वही किताब पढ़ते थे, और ये हुआ कि जैसे कि बहुत पुराना नाता है, जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट में या गांधी जी के साथ कुछ ऐसा लगा, और उसके हिसाब से फिर हमने जो है सारी यहाँ की पुरानी फिलॉसफी की किताबें पढ़नी शुरू करी, वेद पढ़े, पतंजलि योग पढ़ा, महाभारत पढ़ी, गीता पढ़ी। ऐसा लगा कि ये देश की जो पुरानी संस्कृति है उससे हम कहीं जुड़े हैं। तो वो चीज़ जो थी वो हमेशा हमारे एट द बैक ऑफ द माइंड रही। तो जब हम अमेरिका में भी गए तो हम बहुत लिखते थे, हमारे आर्टिकल्स छपते थे इंडियन अखबारों में, कि किस तरह से इन नई टेक्नोलॉजी से हम देश को हेल्प कर सकते हैं। तो जब हम ये सब करते थे तो हमने कहा भाई हमें जाना चाहिए। बहुत से लोग आए वो बड़े शहरों में आए, तो हमने कहा भाई अगर हम गांव में कुछ काम करेंगे तो गांव में ही रहना चाहिए, उसे क्या फ़ायदा कि हम दिल्ली रहें और बात करें गांव की। तो हम फिर आकर जो है उसी कस्बे में ठहरे, ये हमारी बचो है। इसी से जुड़ता हुआ हमारा अगला सवाल है कि वैसे आपका बेस तो लखनऊ से है और फल्टन जो है वो महाराष्ट्र में एक तालुका है, तो ये किस तरीके से आप फल्टन में आए, इसके बारे में कुछ बताइए। हम जब वहाँ पर गए यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा में, तो हमारी मुलाकात हमारी बीवी से हुई, उसका नाम है नंदिनी निमकर, वो फल्टन से आती है। तो ये संयोग की बात है कि हम दोनों ही इंडिया आना चाहते थे। वो भी बहुत ही फेमस फैमिली से है, उसके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे वो महर्षि कर्वे थे, उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो हीरावती कर्वे थी, बहुत महान फैमिली है। हमारा भी नाता गांधी जी के साथ थ्रू माय फादर था, तो हम दोनों ही आना चाहते थे। और ये था कि हम कहाँ जाएंगे, तो हम आए यहाँ पर 1980 में, हमने सब सारे हिंदुस्तान घूमा, तो IIT बॉम्बे में हमें फुल फैकल्टी पोजीशन दी गई थी, IIC बेंगलोर में, बाकी CSIR के इंस्टीट्यूट में हमें फैकल्टी, हमें जॉब मिल गया था। लेकिन ये सोचा हमने कि अगर कुछ करना है तो अपना ही करेंगे। तो इसलिए जो था, नंदिनी के फादर की लैंड थी, ज़्यादा कुछ नहीं था, तो हमने कहा कि एक वहीं पर ही जो है संस्था खुली हुई थी,
निमकर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट उसके फादर ने स्टार्ट करी थी, लेकिन बहुत छोटी संस्था थी, खाली फार्म्स थे, बाकी कुछ नहीं, फैसिलिटीज नहीं थी। तो हमने कहा करेंगे, जरा सा भी इंटेलिजेंस होता तो हम नहीं आते, क्योंकि कुछ भी नहीं था। तो ये मैं कहता हूँ कि जो जुनून जो होता है वो बड़ा पावरफुल फोर्स है, कि पहले कूदो फिर देखो कि कहाँ पहुँच गए। अगर पहले सोचते रहोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, और वो करोगे चीज़ जो कि 10,000 लोग और कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ नहीं करनी है तो उसके लिए जुनून ही चाहिए कि भाई कूदो और फिर सोचो। यानी कि इरेशनल होना भी अपने आप में फ़ायदा ही है। ठीक, तो आपने आप हमें नारी के बारे में कुछ बता रहे थे, तो थोड़ा सा हम और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपका उसमें काम होता है, किस तरीके से आप जुड़े, अभी क्या फ़िलहाल वहाँ पे चल रहा है। निमकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एक NGO है जो कि रूरल एरियाज़ पर काम करता है। हम लोग 3-4 चीज़ों में काम करते हैं। एक तो हम एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जिसमें कि हम नई नई वेराइटीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो सैफ्लावर, करडी, जिसको कि मराठी में करडी बोलते हैं, यूपी में कुसुम बोलते हैं। तो जो अगर जिन लोगों ने सफोला ऑयल खाया होगा उनको ये शायद जानकर खुशी होगी कि ये हमारी वैरायटी से आता है। नारी NH1 वैरायटी जो है हमारी, उससे सफोला ऑयल बनता है, और बहुत सी हमारी वैरायटीज़ हैं। फिर हम गोड़ ज्वारी में काम करते हैं। ज्वार जो है हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च कर बहुत बढ़िया ज्वार बनाई है, वो उसका नाम रखा है हमने मधुरा। मधुरा मेरी छोटी लड़की का नाम है। उसका उसमें ग्रेन होता है और उसका जो स्टेम होता है ज्वार का वो इतना मीठा होता है जितना कि शुगर केन, गन्ने की तरह। तो मल्टीपर्पज़ क्रॉप हो गई, तो उसमें हम काम करते हैं। तो हमने बहुत काम किया उसमें कि उसको अल्कोहल उसका उसे बनाया जाए। उसके बाद में अब हम सिरप बनाते हैं। सिरप हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल वैल्यूज़, क्योंकि अब आजकल वो सिरप जो है बहुत फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो लेती हैं। तो ये चीज़ें जो है हम एग्रीकल्चर में करते हैं। फिर एग्रीकल्चर में हम जो दूसरा बड़ा भारी काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में और साउथ इंडिया में बहुत भेड़ बकरियाँ होती हैं, फार्मर्स रखते हैं, औरतें रखती हैं। भेड़ जो हैं शेपर्ड्स के लिए, गडरियों के लिए उनका पैसा है। भेड़ जो हैं ज़्यादातर बिकती हैं आजकल वूल के लिए नहीं बिकती हैं, ऊन के लिए नहीं बिकती हैं, आजकल जो बिकती हैं वो मीट के लिए बिकती हैं। तो हमने एक फेकबी जीन आइडेंटिफाई करी जिससे कि इन भेड़ों को ट्विंस होने लगे, तो शेपर्ड्स की इनकम डबल हो गई। तो बड़ा बड़ा काम था जिसके लिए हमें CSIR का हाईएस्ट अवार्ड मिला, मनमोहन सिंह ने दिया था। और इस तरह की और बहुत फर्स्ट क्लास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर है, सोफिस्टिकेटेड लैब्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। हमारे जो ब्रीडिंग वर्क है वो भी सोफिस्टिकेटेड चीज़ें होता है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी में हमने जो मेरा सब्जेक्ट है, हमने काफ़ी काम किया जो कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और हर्ट्स के लिए। तो एक नए तरह की लैंड स्टोव बनाई, वो लैंड स्टोव जो था वो हमें बहुत बड़ा प्राइज मिला था स्वीडन में बाय द प्रिंसेस विक्टोरिया। और ये लोगों को जानकर बड़ी आश्चर्य होगा कि वी वर टू ऑफ अस हु गॉट द प्राइज। हम एक NGO थे और दूसरा टेस्ला मोटर्स थी। तो टेस्ला मोटर्स का सबका नाम सुना है, तो उसी जगह जो है टेस्ला मोटर्स को और हमें दोनों को प्राइज़ मिला था। और हम जो थे वो बड़ी भारी इवेंट था। तो द फ्यूचर क्वीन ऑफ स्वीडन, द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन और ये सब लोग हमारे टेबल पर, हम लोगों ने एक साथ बैठ कर डिनर लिया था। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर हमने नेशनल पॉलिसी बनाई फॉर बायोमास बेस्ड पावर प्लांट्स, वो भी हमारे इंस्टीट्यूट ने किया। फिर बहुत सी चीज़ें हमने करी इन प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी लैंटर्न्स। देन सारी जो ई रिक्शाज हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शाज हैं, वो हमारे डिज़ाइन से शुरू हुई। 1995 में हम पहले ऑर्गेनाइजेशन थे दुनिया में जिन्होंने इलेक्ट्रिक साइकिल रिक्शा पर काम किया। आजकल कोई हमें देता नहीं है, लेकिन कल ही अखबार में निकला स्टेट्समैन जो कि बड़ा फेमस अखबार है, उसमें काफ़ी बड़ा आर्टिकल था इलेक्ट्रिक रिक्शा के ऊपर। उसमें उनका पहला स्टेटमेंट ये था कि इसका जो पायनियरिंग वर्क था वो निमकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया था। तो अब लोग धीरे लोगों को मालूम होना शुरू हो गया है कि भाई ये बहुत पहला काम हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने बहुत करी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसा लगता है आपको कि आपने काफ़ी कुछ नया पायनियरिंग वर्क आप लेके आए,
आपकी एजुकेशन के थ्रू भी और अपना आपने इसमें समय दिया, लेकिन उसका रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है, तो कैसा लगता है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुनिया का ये उसूल है कि कोई भी चीज़ अगर ग्रेट होती है वो ना बताएं कि कहाँ से आया, लेकिन अगर उसका रेप्लिकेशन हो रहा है तो दैट इटसेल्फ इज अ रिकॉग्निशन। मैं खाली टेक्नोलॉजी पर ही नहीं, मैं स्पिरिचुअलिटी पर बहुत लिखता हूँ। मेरे सारे आर्टिकल्स जो हैं वो कॉपी करे जाते हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन्स में छापते हैं, बहुत दफ़े वो नाम भी नहीं देते हैं, वर्ड बाय वर्ड कॉपी करते हैं, लेकिन ह्यूज इम्पैक्ट है उसका कि सारी दुनिया में जो है वो आर्टिकल्स प्रसिद्ध हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों में इतनी एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि कोई भी आइडिया अगर आया अच्छा, इट शुड बी शेयर्ड विथ मैनकाइंड। इसलिए जो है मेरी सारी जो फिलॉसफी है वो ये कि हम जो भी कुछ करते हैं हम अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं, बिकॉज नॉलेज शुड बी मेड अवेलेबल एज फ्री एज पॉसिबल। ठीक है, हमारे जो बहुत से डिज़ाइंस हैं जो कि हमने इतनी मेहनत करी उसमें अगर हमें रॉयल्टी मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स वी हैव पुट ऑन आवर वेबसाइट एंड इज़ फ्रीली अवेलेबल टू एवरीबडी, इसमें हम बिलीव करते हैं। सुन के बहुत अच्छा लगा कि कैसे आप बिना किसी रिकॉग्निशन के लिए काम कर रहे हैं, अगर आपके काम का चोरी भी किया जा रहा है और आपको क्रेडिट भी नहीं दिया जा रहा है चूँकि चोरी किया जा रहा है, उसके बाद भी आप ये चीज़ को लेके संतुष्ट हैं कि कम से कम उससे भलाई तो हो रहा है किसी का, बहुत अच्छा लगा जान के। आप तो जब आए थे तब तो वहाँ पे कुछ नहीं था, नारी में एकदम फ्लैट लैंड था जैसे आपने बताया था। आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स को कम से कम ये तो सहूलियत होगी कि जब वो वहाँ जाएंगे तो उन्हें काफ़ी हद तक एक बना बनाया काम कुछ मिलेगा जिसमें वो भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो कैसे वो जुड़े? भाई हमारे साथ अभी लड़का काम कर रहा है, हमारे साथ तीन इंजीनियर्स हैं, उसमें से एक जो है वो आईआईटी कानपुर का ही है, वो ड्यूअल डिग्री का है और उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। दो तीन लड़के ऑलरेडी आ चुके हैं जो कि इंटर्नशिप कर रहे थे आईआईटी कानपुर से, उनमें से एक लड़का था उसने कहा कि मैंने 2-2.5 महीने में जो लर्न किया मैंने 3 साल में भी आईआईटी कानपुर में लर्न किया, तो कुछ ना कुछ उनको लगता ही है। मेन चीज़ क्या है कि जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कराया जाता, एक्सपेक्टेशन जो है जब एक्सपेक्ट करते हो तो दे डू वंडरफुल थिंग्स। हम एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, हम उनको मारते हैं, मारते फिजिकली नहीं है, मारते मेंटली हैं, उनको चैलेंज करते हैं। तो जब एक स्मार्ट बच्चा जो होता है उसको जब चैलेंज कराया जाता है तो उसमें जो पोटेंशियल है वो अपने आप निकलता है, ये लोग समझते नहीं हैं। अगर इन सबको आप लोगों को जितने भी आईआईटी में स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहा जाए कि तुम बड़े स्मार्ट कुछ हो, इसे कुछ नहीं होता है। यू शुड चैलेंज देम, यू शुड एक्सपेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम, क्योंकि अगर उनसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो वो अपना पोटेंशियल नहीं देख पाएंगे। दे देमसेल्स आर सरप्राइज कि कितना काम कर सकते हैं। अभी एक हमारा लड़का है हमारे यहाँ, वो आईआईटी कानपुर का नहीं है, वो क्या कहते हैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग केरला से, तो आया तो वो कुछ इंजीनियरिंग जैसे सभी बच्चों को इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं मालूम होती, तो उन्होंने सबने एग्ज़ाम पास कर लिया है, बस यही होता है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने भाई तुम यहाँ क्यों आए, वो हम कुछ पैसा नहीं देते हैं, उसको फ्री दे देते हैं रहने के लिए लेकिन काम खूब करवाते हैं। तो ही वॉज लॉस्ट, फिर ये बातें करते हुए हुआ कि भाई ही लाइक्स टू डू लॉट ऑफ फोटोग्राफी एक्सेट्रा, तो हमने कहा फिल्म बनाओ, तो हमारी जो चीज़ें हैं उस पर फिल्म बनाई, तो उसने फिल्म बनाई जबकि उसने ज़िंदगी में कभी फिल्म नहीं बनाई थी। एंड ही गॉट सो एक्साइटेड एंड ही मेड अ नाइस फिल्म कि वो कहता कि मैं और फिल्म बनाऊँगा। तो उसको अपने पोटेंशियल का मालूम नहीं था, इफ़ आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड हिम, और वो अपना फिर वो टाइम वेस्ट करता था बस ऐसे ही, सुबह दोपहर शाम जो है ऐसे ही चला जाता। सिंस आई वॉज नॉट पेइंग हिम, तो उसको लगता है यार वो ठीक है अपना जितना टाइम कर लो फिर कुछ इधर देखना उधर देखना। आई थिंक एक्सपेक्टेशंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव कि अगर लड़का स्मार्ट है तो ही विल राइज टू हिज पोटेंशियल, अगर लड़का बुद्धू है तो कुछ नहीं कर सकते फिर तो जाओ तुम। तो ऐसे बहुत से हमने केसेस करें जिनको कुछ नहीं मालूम था उनको हमने करवाया। एक हमारे इंटर्न आया इंग्लैंड से, फिजिक्स में PhD करी थी उसने, ही वॉन्टेड टू डू सम वर्क इन रिन्यूएबल एनर्जी, तो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी। तो मैंने तुम क्या कर सकते हो, तो उसने कहा कि मैंने वेबसाइट बनाई थी एक छोटी सी, तो हमने कहा इंस्टीट्यूट भी बनाओ। ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड पेंटर, तो ही मेड अ फैंटास्टिक वेबसाइट, और आज जो है उसका व्यवसाय ही वेबसाइट डिज़ाइनर हो गया है। फिर ये जो IIT कानपुर का हमारे यहाँ काम कर रहा है, ही इज़ अ गुड पेंटर,
उसने कहा कि IIT कानपुर में मेरी कोई वक़्त नहीं थी, मैंने उसको ढेर सारी पेंटिंग के लिए लगा दिया है, वो पेंटिंग भी करता है और काम भी करता है, तो वन कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। मुझे लगता है कि ये जो आपका पर्ल ऑफ विजडम है, ये स्टूडेंट से ज़्यादा कोचेस और एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड प्रोफेसर्स के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है कि ब्राइट माइंड्स नीड क्रिएटिव एंड इनोवेटिव गाइडेंस। हम उन्हें भेड़ बकरी ही बना दे रहे हैं, मतलब हम क्रीम को छाट के लेके आ रहे हैं और फिर हम उसको ऐसे ही फेंक दे रहे हैं, हम उसका कुछ क्रिएटिवली या कुछ विद पर्पस हम उसे कुछ कुछ उसका दोहन नहीं कर पा रहे। सो दैट्स वन वेरी गुड थॉट। नहीं बट उससे भी अलावा मैं सोचता हूँ कि देखिए, आप IIT में आए, आप अपने आप JEE पढ़ के आए, आप में जुनून था, उस जुनून को क्यों खो दिया? क्यों आप एक्सपेक्ट करते हैं खाली प्रोफेसर ही बताएंगे? अरे प्रोफेसर अगर बुद्धू हैं या नहीं कुछ कर सकते, यू शुड बी इंस्पायर्ड योर सेल्फ। आप अपनी लाइफ ठीक करना चाहते हैं, वाई डू हैव टू डिपेंड अपॉन देम? यू शुड मेक योर लाइफ बेटर, यू शुड चैलेंज योर सेल्फ। इनफैक्ट जो सेल्फ चैलेंज है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम अपने सेल्फ चैलेंज, हमें तो नहीं कहा किसी ने कि फल्टन जाओ, हम तो सेल्फ चैलेंज में आए और वहाँ पर इतनी सिचुएशन ख़राब थी, अगर ये होता कि अरे बेकार में क्यों है, चलो वापस अमेरिका, एंड आई कुड हैव इजीली गॉन बैक। लेकिन एक सेल्फ चैलेंज था, दिस इज़ अ चैलेंज, लेट मी डू इट। और हमने सारी जिंदगी में सब डिफरेंट चैलेंजेस करे, हमने एक चीज़ पर काम किया, उसको जब वो पूरा हो गया दूसरी चीज़ पर काम किया। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है, लेकिन हमने ई रिक्शा को बनाया, हमने कितनी चीज़ें करी। हमारी जो राइटिंग्स हैं ऑन फिलोसफी, दे आर रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई डू लॉट ऑफ वर्क ऑन ब्रेन रिसर्च, किस तरह से जो पुराने पतंजलि योग है और ब्रेन रिसर्च है, हाउ इट इज़ रिलेटेड। सो आई डू वेरी डीप स्टडी ऑन ऑल दिस थिंग्स। तो दिस इज़ द रोमांस ऑफ वर्क, एंड दैट शुड बी द थिंग। इफ अगर मैं कुछ चीज़ दे सकता हूँ IIT स्टूडेंट्स को, वो ये है कि यू शुड बी सेल्फ चैलेंज, बिकॉज यू आर अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, यू केम थ्रू अ सर्टन प्रोसेस। यहाँ के भेड़ बकरी तुम बनोगे तो भेड़ बकरी बनाए जाओगे, शेर बनोगे तो शेर ही बन के रहोगे। सर इससे जुड़ता हुआ मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि अगर हमें एनवायरनमेंट उतना हेल्दी नहीं मिल पा रहा है, अगर हमें लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हमें खुद ही से कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो ऐसा पता चला कि जब आपका ये डिसीजन था कि आप फ्लोरिडा छोड़ के इंडिया आएंगे, उसमें भी फल्टन में रहेंगे, तो योर फादर कॉल्ड यू एन इडियट, तो वो फिर आपने किस तरीके से उस चीज़ को भी यू टेक दैट इन टू स्ट्राइड एंड देन मूव फोर्थ, कैसे आपने किया? भाई देखो, हम हमेशा जो है ज़िंदगी में हमने हमेशा वही काम किया जो कि हमारे दिल को, हमने किसी की परवाह नहीं करी। बहुत से लोग बोलते थे कि तुम बहुत ही अपने पेरेंट्स को नहीं, इसके उसको नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर आप जो है सोचने लगे कि दुनिया क्या बोल रही है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यू शुड बी इम्परवियस टू इट, यू शुड डू थिंग्स विच एक्साइट योर पैशन, यू शुड डू थिंग्स विच गिव यू हैप्पीनेस। Happiness is something which you should really try to understand what gives you happiness. 99% of people don't even know what gives them happiness. Jo dusre logon ko happiness mila hai, wohi mila hai. One should be very honest, and that requires a very tremendous amount of ruthlessness. Jab ruthlessness aayega, apne ko honestly evaluate karoge, tab malum padega ki tum kya karna chahte ho. To jab humne decide kar liya, ab ye karenge, dekhte hain. And my father was the happiest person before he died. He says, you did the right thing. तो ये हर एक हमेशा जो है ये सोचना चाहिए कि जो भी करना चाहते हो उसमें उसको निडर होकर ये करना चाहिए, यानी कोशिश करते रहना चाहिए, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। इसी से ही जुड़ता हुआ सवाल है अगला भी कि कैंपस में भी कई स्टूडेंट जो हैं वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। आपने भी जब शुरू किया था तो आपको कई सारे चैलेंजेस इसमें आए होंगे। कभी कभी ब्यूरोक्रेट्स का साथ नहीं मिल पाया होगा, पॉलिटिशियंस एंड जो गवर्नमेंट है उनका सपोर्ट नहीं मिल पाया होगा, कभी फंड्स नहीं मिल पाए होंगे, कभी जनता का साथ आपको नहीं मिल पाया होगा, अपनी टीम का साथ नहीं मिल पाया होगा, तो कैसे आपने इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया, बिना सपोर्ट के भी आप आगे बढ़ते रहे, किस तरीके से आपने इन सबको देखा? अब पता नहीं, मतलब कि जब जुनून होता है उसमें ये चीज़ें जो हैं ये अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती हैं, बस उसको लगे रहो। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती थी लेकिन वो धीरे सॉल्व हो जाती थी और वो सॉल्यूशंस जो हैं वो अपने आप दिखते थे।
एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो, दूसरी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन दिखने लगता था, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहा। मतलब इस जस्ट हमने कभी सोचा नहीं कि भाई आज फंड्स नहीं है या वो नहीं है, और हम हमेशा समझते हैं कि जब चीज़ें अच्छी करो तो सब लोग आकर हेल्प करते हैं। देर हैव बीन लॉट ऑफ इंस्टेंसेज इन माई लाइफ वेन वेरी अनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स वो सॉल्व। तो मैं समझता हूँ कि अगर दिल क्लीन है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कम से कम मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि बहुत हमारे पास बहुत कम फंड्स थे, कुछ नहीं था, लेकिन चीज़ें चलती रहीं क्योंकि जुनून था, करते रहो बस और अपने रास्ते देखते हैं। तो यही मैं लोगों से कहूँगा कि जो लोग दिन भर जो है फ्यूचर का सोचते रहते हैं, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। व्हाट इज़ नीडेड इज़ टू थिंक अबाउट नाउ। नाउ जो है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और अभी उसको तुम सॉल्व कर लोगे तो अपने आप सारे रास्ते खुलते जाते हैं, क्योंकि नेचर जो है वो ऐसे ही इवॉल्व करती है। इट बिकम्स एन इक्विलिब्रियम विथ नाउ एंड देन इट स्टार्ट्स ऑन इट्स ओन ट्रेजेक्टरी। कभी नेचर फ्यूचर का प्लान नहीं करती है, अभी को तुम सॉल्व करोगे फिर नेक्स्ट स्टेप जाओगे, इट्स अ डेल्टा एक्स प्रोसेस। सच ए डीप थॉट। जैसे आपने पहले भी बताया था कि अगर आप फ्यूचर का सोचते रहते, आप ये सोचते कि इतने साल बाद मैं ये कर लूँगा, इतने साल बाद ये कर लूँगा, अगर आप ऐसा ट्रेजेक्टरी अपने लिए बनाते तो शायद आप वापस ना आते, क्योंकि वापस आना तो आपका इरेशनल डिसीजन कहा जा सकता था उस पॉइंट इन टाइम पे। एंड बट आप लगे रहे, एंड जैसे कहते हैं कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो वो आपके साथ होता गया एंड इट ऑल चॉक्ड आउट नाइसली। तो हम अब आपसे चलते चलते ये पूछना चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स, खास करके हमारे जो युवा हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो सोशल सेक्टर में भी कुछ करना चाहते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो किस तरीके से वो आगे बढ़े। तो ऐसा है कि किसी भी सेक्टर में काम करो, मैं चाहता हूँ कि जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, जैसे IIT के स्टूडेंट्स, बाकी जो भी यंग स्टूडेंट्स हैं, दे शुड डू एक्सीलेंट वर्क इन विच एवर सेक्टर दे गो। और जब वो एक्सीलेंट वर्क करते हैं तो उसमें जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और जब एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो जो बाकी चीज़ें हैं उनका नया रास्ता दिखता है। यू नेवर नो कि कहाँ जाओगे। तुमने शुरू किया किसी चीज़ से एंड सडनली यू कैन गेट इन टू सोशल सेक्टर, सडनली यू कैन गेट इन टू पोलिटिकल सेक्टर। बट जो भी काम करो वो दिल लगा के करो, ऑनेस्टली करो, गुंडागर्दी मत करो, एंड डू इट विथ एक्सीलेंस। एंड इफ़ यू डू दिस विथ एक्सीलेंस देन द कंट्री विल बिकम वेरी वेरी ग्रेट, बिकॉज एक्सीलेंट कंट्री इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलेंट पीपल हु हैव डन ग्रेट वर्क इन देयर ओन एरिया। तो सर का भी जैसे मैसेज था कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, चैलेंजेस ले लीजिए और चलते जाइए, एक्सेलेंस के पीछे भागते रहिए, कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं बन ही जाएगा। सो लिसनर्स, आपने सर से जाना उनके IIT कानपुर के एक्सपीरियंसेस के बारे में, किस तरीके से वो सोलर एनर्जी की तरफ आए, किस तरीके से फिर नारी की तरफ आए, और किस तरीके से उन्होंने आगे इसमें सोशल सेक्टर में काफ़ी कुछ उन्होंने किया, ई रिक्शों में भी उन्होंने काम किया, तो रिन्यूएबल एनर्जी में उन्होंने काम किया, तो एग्रीकल्चर में उन्होंने काम किया, कहीं सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में उन्होंने काफ़ी कुछ रोल अदा किया। तो उन्होंने ये भी बताया कि अपना अनकन्वेंशनल करियर में उन्हें किस तरह के चैलेंजेस आए, और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर से ही उन्होंने उस इनसरमाउंटेबल चैलेंज को पार किया। तो उनका भी आपके लिए यही एक मैसेज था कि आप स्ट्रॉन्ग विल पावर रखिए, भेड़ बकरी ना बनिए, शेर बन के आगे चलिए, और कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे बन ही जाएगा। तो सर थैंक यू कि आपने हमें अपने बिजी शेड्यूल में से इतना समय दिया। थैंक यू वेरी मच, आई रियली एंजॉयड टॉकिंग विद यू, और मैं यही आशा रखता हूँ कि जो भी मेरा मैसेज है ये या युवाओं के लिए आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि फ्यूचर ऑफ द कंट्री यंग ब्राइट इंजीनियर्स ही हैं, और ये जब कुछ करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के एपिसोड से आप सभी लिसनर्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सर।